Class 4, The Giving Tree, exercise on page 126 and 127. Hi बच्चों, हम ये exercise कर चुके हैं, है ना? लेकिन आज हम इसको correct करके करेंगे और हम क्या सीखेंगे? Singular, plural, एकवचन, बहुवचन. अपनी बुक खोल लो. 126 नंबर पेज पे शुरू हो रही है और कंटिन्यू है ये 127 पे भी. चलिए करना शुरू करते हैं. Fill in the blanks with the correct word. सही शब्द के साथ रिक्त स्थान भरो. My mother went to the market and bought a kilogram of dash. अब क्या है? Apple, apples. मेरी माँ बाजार गई और उसने एक किलो क्या खरीदा? सेब. तो एक किलो में सेब एक आता है या ज्यादा आते हैं? जब हम तोलते हैं तो ज्यादा आते हैं. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एप्पल्स. आपके सेंटेंस में एक किलोग्राम से हो सकता है आपको लगे एक किलो, लेकिन एक किलो में बहुत सारे एप्पल्स आते हैं, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? एक किलो सेब, एप्पल्स. ओके, अब इसके आगे अ डजन. डजन क्या होता है? दर्जन. एक दर्जन में कितना होता है नंबर? 12. तो 12 एक हुआ या ज्यादा हुए? ज्यादा. तो अ डजन बनानास. बनाना नहीं आएगा, अ बनाना नहीं खरीदा ना, माने एक दर्जन. एंड अ डजन डैश. और एक दर्जन क्या खरीदा? और ऑरेंज खरीदा या ऑरेंजेस? अब आपको पता चल गया होगा दर्जन ज्यादा है तो ऑरेंजेस. लेट अस कंप्लीट द सेंटेंस. माय मदर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, अ डजन ऑफ बनानास एंड अ डजन ऑरेंजेस. बहुवचन. तो बेटा ए देख के कंफ्यूज नहीं होना, किलोग्राम में ज्यादा होता है, दर्जन में 12 होते हैं, तो बहुवचन है. आगे है आई लव ऑरेंजेस. मुझे संतरे बहुत पसंद हैं. सो आई एट एन डैश. अब क्या है? अगर हम इसके आगे लगाएंगे ऑरेंज तो ठीक होगा? ठीक होगा, क्योंकि एन है. ए का मतलब एक, एन लगाया क्यों? क्योंकि वॉवल ए ई आई ओ यू, हमने रूल सीखा हुआ है ना ये वाला, उसके आगे एन का मतलब भी एक. सो आई एट एन ऑरेंज, मैंने एक संतरा खाया. आगे माय ब्रदर वांटेड ए बनाना और बनानास. क्या आएगा? बनाना. तो मेरे भाई ने भी क्या खाया? एक केला. एंड माय सिस्टर आस्क्ड फॉर एन डैश. अब एन का मतलब ए नहीं है, एन है तो मतलब वॉवल शब्द है, वो तो पता है. तो मेरी बहन ने भी क्या खाया? सेब. एक सेब खाया. अ ट्री हैज वन. वन का मतलब सिंगुलर, तो क्या आएगा? ट्रंक. ट्रंक का मतलब हम सबको पता है तना. एक तना होता है पेड़ का, है ना? बट मैनी. ओके बेटा, वन का मतलब एक, मैनी का मतलब बहुत ज्यादा. तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्रांच या ब्रांचेस? यस, ब्रांचेस, टहनियां, शाखाएं. पेड़ का एक तना होता है और बहुत सारी शाखाएं होती हैं. ठीक है, तो बेटा वन, मैनी, ए जहां पे या एन आए तो सिंगुलर है, लेकिन जब डजन और किलोग्राम आया तो क्या है? बहुवचन है. ओके, अ डैश हैज अ नंबर ऑफ डैश. अब ए है तो क्या आएगा? ब्रांच. ठीक है, एक वचन. A branch has a number of. A number of क्या है? Itself बहुवचन. बहुत सारे क्या आएगा? पत्ते, leaves. ठीक है,
A branch has a number of leaves. So branch ekvachan, number of leaves, bahut sare patte, and flowers. Tehniyon ke upar aur kya lage hote hain? Phool, hai na? तो ऐसे में ये आप सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स को याद रखना. आज हमने सीखा ना बहुत सारा कुछ, देखो एक बार फिर से देखते हैं. अ किलोग्राम है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये तो एक किलो है, लेकिन एक किलो में बहुत सारी चीजें आती हैं. सो बहुवचन. अ डजन मीन्स 12 ज्यादा केले, ठीक है. और जब है आई लव ऑरेंजेस, सो आई एट एन. ए और एन के साथ हमेशा एक वचन आएगा. एन आया है क्योंकि वो वॉवल का शब्द शुरू हो रहा है. माई ब्रदर वॉन्टेड अ बनाना एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन एप्पल. अ ट्री हैज वन ट्रंक. और ये बात हम सबको पता है कि पेड़ का एक ही तना होता है, दो नहीं होते. बट मैनी ब्रांचेस, शाखाएं बहुत सारी. A branch has a number of leaves, number of बहुत सारे, and flowers. ठीक है बेटा, ये अच्छे से समझ लेना, rules भी याद कर लेना, ताकि आगे भी आपको कभी test में थोड़ा आगे पीछे करके दें, आपको आना चाहिए. Take care बेटा, bye.